हाँ जी बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव है, इसी वजह से ये टाइम भी बहुत ही कंज्यूम करता है। और इसके बारे में साथ में ये भी कहा जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड भी है चैप्टर। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से अगर आप फीडबैक लेते हैं चैप्टर के बारे में कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा फेवरेट चैप्टर है। मेन रीजन उसके पीछे यही होता है कि कैलकुलेशन, टाइम कंज्यूम करना और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बच्चों का मानना होता है। तो ये जो चैप्टर है, बात करते हैं कैलकुलेशन की और ये टाइम कंज्यूम करने की। तो आपको ध्यान से चैप्टर को देखना है। अभी मैं जैसे करवाऊंगा, इसका कोई सा भी क्वेश्चन आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सेकंड या 4 सेकंड ये लेगा, और ज्यादा ज्यादा अगर आप चले भी गए तो 10 सेकंड से तो ऊपर नहीं जाना। तो अब यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट के मन में दो बातें आती हैं कि कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा ये चैप्टर, टाइम कंज्यूमिंग है जिसकी वजह से। सबसे पहले ये बात तो अपने दिमाग से आप निकाल दो, जब आपका सवाल 10 सेकंड में हो रहा है, 10 सेकंड मैंने ज्यादा बोल दिया है, 3 सेकंड में कह रहा हूं, 3 सेकंड, 2 सेकंड, विद इन सेकंड, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो सब पॉसिबल है। तो यहां पर कैलकुलेशन और टाइम का कोई इश्यू का सवाल ही नहीं होता है। अब दूसरा सवाल खड़ा करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड में मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर में मैं जितने भी टाइप डिस्कस करूंगा तसल्ली से आराम से उन सभी टाइप को ध्यान में रखिए। और जब पूरे टाइप में डिस्कस हो जाएगा तो आप कोई से भी बुक ले लीजिए, चाहे किरण, SD यादव या फिर XYZ, किसी की भी बुक ले लीजिए आप, आपका एक सिंगल क्वेश्चन डाउट में नहीं आएगा, डाउट ही नहीं आएंगे आपके। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड है वो सवाल भी हट जाता है। अब कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, ठीक है? तो बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले आपको एक एग्जांपल समझना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रिंसिपल है 1000 रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं कहता है कि जो आपने मुझसे लोन लिया है, जो आपने मुझसे उधार लिया है, मैं उस पे इंटरेस्ट लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है मेरा जो पैसा आपने इस्तेमाल किया है मैं उस पे इंटरेस्ट लूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट ये नहीं कहता है कि जो पैसा आपने मुझसे उधार लिया है मैं उस पे ब्याज लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है जो पैसा मेरा इस्तेमाल कर रहे हो मैं उस पे इंटरेस्ट लूंगा। आपको लग रहा होगा बात तो एक ही है, जो उधार लेंगे वही तो इस्तेमाल करेंगे। नहीं, बात अलग है। कैसे अलग है देखिए, उधार लेना और पैसा इस्तेमाल करना बहुत फर्क है। देखिए 1000 रुपीज है बच्चों, तो 3 साल, क्लियर है ना? मान लीजिए आपने ये उधार लिया 1 जैन 2018, ये लेट कर लेते हैं, 2018 को आपने उधार लिया, ठीक है? तो 1000 रुपीज पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपने तो 1 जनवरी को तो उधार ही लिया 18 में। मैं आपसे बात करूंगा वो साल के एंड में, दिसंबर, 31 दिसंबर 2018 में मैं बात करूंगा आपसे, और मैं आपसे बोलूंगा कि सर मेरा जो है 10%, और जो मैंने आपको पैसा दिया था 1000 रुपए, आपने लिया है 1000 रुपीज मुझसे उधार, मैं सिर्फ ब्याज लगाने आऊंगा। ध्यान रखेंगे आपका रोल क्या है, आपने क्या करा है, आपने मुझसे लोन लिया है 1000 रुपीज,
10% पे 3 साल के लिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आऊंगा। आप समझिए मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट। 18 के एंड पे आता हूं और मैं कहता हूं मेरा कितना पैसा आपके पास में आपने इस्तेमाल किया, आप कहेंगे वही 1000 रुपीज, तो मैं कहूंगा उस पर वो 1000 रुपीज मुझे दे दो और आपने वो पैसा यूज किया तो उस पर आप मुझे 10% इंटरेस्ट भी दे दो, ये दोनों चीज मुझे चाहिए। तो आप 1000 रुपीज पर इंटरेस्ट, 1 साल के एंड में कितना इंटरेस्ट बनता है, 100 रुपए 10% के हिसाब से कितना बनता है, 100 रुपए 1 साल के हिसाब से। तो बच्चों 1000 रुपीज है, 1 साल के एंड में 2018 के एंड में मैं कहूंगा मेरा इंटरेस्ट दीजिए, आपने जो मेरा पैसा इस्तेमाल किया है वो है 1000 रुपीज और उस पर 10% इंटरेस्ट, वो हो गया 100 रुपीज। तो मुझे आप 1000 रुपीज प्लस उस पर जो इंटरेस्ट है मैं वो भी लूंगा 100 रुपीज, 1100 रुपीज हो गया, आप मुझे दे दीजिए और यहीं पर चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। आप कहते हैं सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट ईयर दूंगा। मैं कहता हूं ठीक है आप नेक्स्ट ईयर दे देना, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको मुझे 1100 रुपए देने हैं। 1000 रुपीज तो जो मैंने आपको दिया था और आपका इंटरेस्ट भी हो गया है बकाया, वो भी आपने पे नहीं करा, तो 1000 रुपीज प्लस 100 रुपीज तो 1100 रुपीज हो गया है। ये मैं 31 दिसंबर को बात कर रहा हूं 2018 में, 1 जनवरी को मैं आपसे एंट्री करवा लेता हूं कि 1100 रुपए आपने मुझसे उधार लिया है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं एक 2019 में आ चुके हैं, 2019 के 1 जनवरी को बात कंफर्म हो चुकी है कि आपने मुझसे 1100 रुपए लिया है, मेरा 1100 इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कंफर्म हो चुकी है। अब 2019 का भी एंड हो गया, अब 2019 31 दिसंबर पे आ गए, वो भी एंड हो गया। मैं कहता हूं आता हूं बोलता हूं सर मुझे इंटरेस्ट दे दीजिए और जो मैंने पैसा आपको दिया हुआ है वो दे दीजिए। आप कहते हैं कितना इंटरेस्ट है, कितना पैसा बनता है आपका। तो मैं कहता हूं एक तो ये देखो आप कि आपने 1000 रुपीज देना था जो कि 1 जनवरी से इस्तेमाल हुआ, प्लस में वो 100 रुपए इंटरेस्ट का भी इस्तेमाल हुआ, तो मैं दोनों पर ही ब्याज लूंगा क्योंकि मेरा ही दोनों पैसा इस्तेमाल हुआ। फर्क है आपने मुझसे क्या लिया था और आप मेरा क्या पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्क है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा था कि जो आप मुझसे उधार ले रहे हैं मैं उस पर ब्याज नहीं लूंगा, आप जो मेरा पैसा इस्तेमाल करेंगे मैं उस पर ब्याज लूंगा। और आपने इस्तेमाल सिर्फ 1000 रुपीज ही नहीं किया इस साल के दौरान, प्लस 100 रुपीज ब्याज भी यूज किया है, मैं दोनों पर ब्याज लूंगा। क्लियर है। तो यहां पर 1000 रुपीज के ऊपर तो मैं लूंगा ही लूंगा 10%, 10 रुपीज प्लस मेरा इंटरेस्ट भी इस्तेमाल हुआ है सेकेंड ईयर के लिए, तो इस पे भी 10% लूंगा, इस पे भी 10% लूंगा, तो 110 रुपए। देखा जाए तो मैं ये बोलता देखिए आपने मेरा 1100 रुपए का इस्तेमाल किया है, समझिए, तो मुझे मेरे 1100 दे दो और प्लस उस 1100 पे 10% इंटरेस्ट दे दो, तो 110 इंटरेस्ट बन जाएगा। तो आपको इंटरेस्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, आप सेपरेट निकाल रहे हैं और सेपरेट निकालने की जगह आप बोल सकते थे कि मेरा 1100 इस्तेमाल किया है और इस 1100 तो मुझे देने ही थे, 10% इसके ऊपर ब्याज बन जाता है, 1100 देने थे ना, लिया 1100 थे तो फिर 10% ब्याज बन जाता है, तो 110 रुपए। तो डायरेक्ट में ये भी बोल सकता था, लेकिन इसका जो डिटेल में इसका क्या मतलब है, डिटेल में इसका मतलब यही है कि आप प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट लेंगे और जो पिछला सभी इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे। अब ये बात करते हैं कब के, 2019 का एंड था, क्लियर है ना। बात करते हैं नेक्स्ट ईयर, तो यहां पर भी मैं पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लूंगा। अब आपको पता नहीं क्या बकाया हो सेकंड ईयर के एंड में, क्या कहा मैंने, लो पैसा लाओ 1100, ये पहले वाले बकाया 110 रुपए इस साल के ब्याज। वो कहते हैं सर नहीं है, अगले साल पक्का दे दूंगा मैं। ठीक है आप अगले साल दे देना, पर ध्यान रखना कितना पैसा है, कितना पैसा आपके ऊपर, ध्यान रखना
आपको ध्यान है कितना है आपके ऊपर? 1210 आपने कंबाइन करके बता दिया, बट इंडिविजुअली बताओ, 1000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल, तीसरे साल जो इस्तेमाल करोगे, जो 110 रुपए इस साल का ब्याज भी, इस साल का ब्याज भी इस्तेमाल कर रहे हो, बस यही है क्या? यही है? और 1000 रुपए तो तीसरे साल मेरा ये यूज किया, ये करने जा रहे हो, 110 रुपए ब्याज भी पे नहीं करा, वो भी यूज करने जा रहे हो, बस यही है और क्या है? 100 रुपए इंटरेस्ट भी कब दे दिया आपने, है ना? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो 100 रुपए है वो कब दे दिया आपने? तो यहां पर मैं प्रिंसिपल पर तो लूंगा ही, ये इंटरेस्ट भी मेरा यूज हुआ है, प्रिंसिपल तो ब्याज लूंगा, ये ब्याज भी मेरा इस्तेमाल किया गया और ये इंटरेस्ट भी मेरा इस्तेमाल किया गया, तो इस पे भी लूंगा। या फिर आप बोल दीजिए कि पिछला कितना 1000 रुपए तो इस्तेमाल किया है तीसरे साल आपने, इसके साथ साथ मेरा कितना ब्याज इस्तेमाल किया, 100 और 110, 210 का 10% कितना हुआ, 121 रुपए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ले रहा हूं और पिछले सभी ब्याज पर भी ब्याज ले रहा हूं, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ले रहा हूं और पिछले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहा हूं, पिछले सभी ब्याज पे ब्याज ले रहा हूं, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट और पिछले सभी ब्याज के ऊपर ब्याज ले रहा हूं। मानते नहीं मानते चीज को, या सिर्फ मैंने 110 पे लिया है? नहीं ना, तीसरे साल की बात कर रहा हूं ना, तो 1000 रुपए भी इस्तेमाल किया है, वो 110 रुपए ब्याज भी नहीं दिया, वो भी यूज कर लिया, वो 100 रुपए पहले साल का भी तो बकाया है आपके ऊपर, वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। या फिर आप कह रहे हो 1210 रुपए यूज करा है सर आपका, ये मानते हो? क्लियर है? तो 1210 में यही सब तो हो गया, क्लियर है? तो आपका जो है, आप इसमें एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लेंगे प्लस पिछले सभी ब्याज पर ब्याज लेंगे। रिपीट कर दीजिएगा मेरे साथ में, क्या कहा मैंने? पिछले सभी ब्याजों पर ब्याज लेंगे, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं, बस इस पे ले लेते हैं 10%, पीछे वाला ब्याज भूल जाते हैं, ये गलतियां होती है, ध्यान रखेंगे चीज का, क्लियर है? 4 साल का होता ना तो 4थे साल में पहले प्रिंसिपल पर लेता और पिछले सभी ब्याज पर तीनों को जोड़ देता और उस पर भी ब्याज लेता, क्योंकि वो पैसा इस्तेमाल होता है ना। ये बात समझ में आई नहीं आई आपको? तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है या सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है, बताइए? सेकेंड ईयर है या 2 ईयर है, फर्क है 2 और 2 में? ये सेकेंड ईयर है, सिर्फ दूसरे साल का ये ना, ये 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है या 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये फर्क है सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में, फर्क है ना? 2 ईयर में तो पिछला भी आता है और ये भी आता है, और सेकेंड ईयर में बस सेकेंड वाला आता है, 3rd ईयर में सिर्फ 3rd वाला इंटरेस्ट आता है और 3 ईयर में पहले तीनों आते हैं। तो खैर मुझे 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करूंगा 100, 121, 331, समझ रहे हो? 331 रुपए ये क्या हो गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, जो पैसा आपने मुझसे उधार लिया मैं उसी पर इंटरेस्ट लूंगा, 1000 रुपए लिया ना, हर बार मैं इसी 1000 रुपए भी लूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरा इस्तेमाल किया मैं इस पर इंटरेस्ट लूंगा। ये समझ में आया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर, ये क्लियर है आपको? कोई डाउट किसी को? अभी हम और भी एग्जांपल लेंगे इस चीज के, वो आप देखेंगे इस चीज को। ये तो मेथड 1 हो गया, क्लियर है? आपके मन में एक बात होगी बच्चों कि सर 3 सेकंड में किस तरीके से ये पॉसिबल है सवाल कर पाना। तो बच्चों सिर्फ एक पर्टिकुलर मेथड नहीं सिखा रहा मैं आपको, पहले मैं आपको 6 मेथड सिखा रहा हूं, 6 मेथड। किसी सवाल, हर एक सवाल पर 6 मेथड अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जब सवाल आएगा उसके रेट को देख के, उसके टाइम को देख करके, उसके प्रिंसिपल को देख करके, कंडीशंस को देख करके, हम ये डिसीजन लेंगे कि यहां पर मुझे कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है। ज्यादा सुटेबल का मतलब कौन सा मेथड ऐसा है जो 3 सेकंड में आंसर, तो सारे निकाल देंगे, बट कौन सा मेथड है जो जल्दी आंसर निकाल देगा,
कोई पर्टिकुलर ऐसा मेथड नहीं है जो सब में 3 सेकंड में आंसर निकाल दे, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर है, समझ रहे हो? तो हमें अलग अलग मेथड सीखना होगा सेम क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए। मेथड वन समझ में आया आपको, 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट पूछता तो पता ही क्या हो जाता, अमाउंट क्या हो जाता, अमाउंट आपका 1000 रुपीज प्लस 331, 1331 अमाउंट तो यही होता है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। ये समझ में आ गया फर्स्ट मेथड आपको, पहले बात करते हैं सेकंड मेथड की। जनरली क्या हो रहा है, मैं इस अपनी कहानी को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। इसमें कहानी यही है, 1000 रुपए लिया, जब 2018 का एंड हुआ मैंने क्या कहा, लाओ मेरा पैसा वापस करो और इस पे जो आपने इस्तेमाल किया जो ब्याज वापस करो। आपने कहा सर कितने हो गए, मैंने बोला 1000 रुपीज, वो हो गए। और 1000 का 10% 100,000 + 100 = 1100 रुपीज दो, यही कह रहे मैंने, इतना पैसा हो गया। तो ये बताने के लिए मुझे 1000 रुपीज और इसका 10% अलग से निकालना पड़ा, फिर मुझे ऐड करना पड़ा। क्यों ना मैं 1000 रुपीज का 110% कैलकुलेट करूं तो 10% इसमें ऐड होकर के आ जाएगा, 1000 रुपीज प्लस उसका 10% इसमें ऐड होकर के आएगा। ये आप जानते हैं, समझते हैं आप इस चीज को। 10% निकालते तो फिर से आपको उसको जोड़ना पड़ता, ऐड करना पड़ता, बट ये क्या करेगा, ऐड करके बता देगा। तो मतलब क्या हो गया, जे 1100 बनते हैं टोटल आपके पास, लाओ दो 1100 रुपीज। आप कहते हो सर अभी नहीं है, नेक्स्ट ईयर लेना। मैं कहता हूं लिखो कि मैं आपका 1100 रुपए मेरे मैंने लिए हैं, ये मैंने 2019 के 1 जनवरी को लिखवा लिया था स्टार्टिंग में, अब हो गया 19 का एंड। मैं फिर कहता हूं लाओ मुझे मेरे पैसे दो। आप कहते हैं सर कितने, पहले आपने क्या लिखा है पढ़ो, 1100 रुपए लिए थे, ये मेरा 1100 का इस्तेमाल हुआ था तो इस 1100 पे मैं 10% लूंगा। आप सेपरेट सेपरेट भी निकाल सकते हो, 1000 रुपीज पर, 100 रुपीज पर, और आप कंबाइंड करके भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो 1100 रुपीज आपने मेरा यूज किया और उसके ऊपर 10% ब्याज, तो कितने बने? क्लियर ना बात, ये अमाउंट है ना, ये 1100 रुपए अमाउंट है, एक तरीके से इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो आपने 1100 इस्तेमाल किया प्लस में 10%, इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी लूंगा, तो इस 1100 में प्रिंसिपल पिछला इंटरेस्ट सब इंक्लूडेड है, प्लस में 10% मैं आपको और इंटरेस्ट लूंगा। तो फिर 10% निकालना पड़ेगा, ऐड करके बताना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, 1100 रुपीज का 110% अगर मैंने कर दिया तो 10% ऐड हो जाएगा 1210। ये क्या है 1210 रुपए अमाउंट है, सेकेंड ईयर तक होने तक का अमाउंट है ये, या इंटरेस्ट है? अमाउंट है, आपने कुछ नहीं छोड़ रखा ना, तो आपने वो 1100 छोड़े ना, वो 100 छोड़े 1100, और 1100 का भी 10% इंटरेस्ट ले लिया, अमाउंट है। आप कहते मैं लाओ ये पैसे लो दो, 1100 तो आपने वो लिखे हुए थे और 10% ब्याज के साथ बन जाते हैं 1210 रुपए, लाओ दो। आप कहते हो नेक्स्ट ईयर पक्का दे देंगे, मैं ठीक है नेक्स्ट ईयर दे देना, बट लिखो कि सर 2020 के स्टार्टिंग में सर हमने आपके 1210 रुपए लिए हैं, ठीक है लो मैं आऊंगा। एंड में आया वो तो लाओ दो मेरे, मुझे मेरा पैसा। आप कहते हैं कि सर 1210 रुपए तो आपके लिए थे प्लस में 10% इंटरेस्ट, क्योंकि इस्तेमाल 1210 रुपए किए आपने, तो फिर मैं 1210 का 10% निकालूंगा, ऐड करूंगा, उससे बेटर क्या है 1210 का 110% कर लेता हूं। ये डायरेक्ट क्या आ गया, अमाउंट, समय आया नहीं आपको, डायरेक्ट क्या आ गया आपका, अमाउंट। तो मेथड टू में आपको ये समझाने जा रहा हूं, मेथड टू में मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, ये क्लियर है आपको। मेथड टू में आप ये भी कर सकते हैं कि ये अलग बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 1000 110% 110% और 110%, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1331। इसे याद आया आपको परसेंटेज में फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो चेंज वैल्यू पर हम उस पर चेंज कर रहे थे, तो ये परसेंटेज का क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया, याद आया नहीं है आपको,
क्लियर है, नीचे सो फिक्स है, जो चेंज आना है ऊपर आना है। तो इस सवाल को मैं से, लेकिन फर्क है, मेथड फर्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट आया, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आया, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आया, लेकिन मेथड टू में डायरेक्ट और डायरेक्ट और सिर्फ और एक अमाउंट आया है। क्लियर है, सुन आया आपको ये? मेथड थर्ड की बात करते हैं, इसी से फॉर्मूले की डेरिवेशन दे रहा हूं मैं। मेथड थर्ड क्या है, आप बेसिकली अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर टी, ये स्ट्रक्चर है। क्यों है ये स्ट्रक्चर? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 1000 रुपीज, 1 प्लस रेट क्या है 10%, टाइम क्या है 3। आपको पता है कि परसेंटेज को हटा करके डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाता है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में है, 10/100 अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है, परसेंटेज को हटा करके नीचे 100 लगा देंगे तो वो अब परसेंटेज में नहीं है, किसमें? फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कोई भी चीज टोटल क्या होती है? फ्रैक्शन में कितनी होती है? फ्रैक्शन में, परसेंटेज में तो कोई भी चीज टोटल 100 होती है, फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1। तो आपका 1 क्या है? टोटल मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो मिलना ही मिलना है, प्लस में 1 का इतने टाइम्स 1/10, 10/100 टाइम्स, ये और मिलना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका अमाउंट ये हो जाएगा। तो 1000 कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं अमाउंट को, तो वहीं पर बात आ जाती है 110/100 की पावर 3, अमाउंट इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, समझ गए? कोई डाउट आपको? क्लियर है, क्लियर है? तो मेथड थर्ड क्लियर हो गया, समझ गए? अब मैं एक कंडीशन ले रहा हूं, जैसे मैं फोर्थ मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं, मेथड फोर। मेथड फोर में अगर आप देखिए बच्चे, प्रिंसिपल मैं ले रहा हूं 5000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं 12.5%, टाइम मैं ले रहा हूं 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर आप 5000 रुपए पर पहले साल 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तीनों साल का, क्लियर है? 5000 रुपए पर अगर आप 12.5% अप्लाई करते हो, तो 5000 का 10% 500, ठीक है ना, 2% 100 और आधा परसेंट 50, 25, क्लियर है ना, 25, तो 625 रुपए हुआ, नहीं हुआ? देखिए इस पे हमें 12.5%, तो 10% कितना हो गया? 500, 1% 50, 2% 100 और आधा परसेंट 25, 125, तो कितना हो गया? 625। थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं हम कुछ कैलकुलेशन में? 12.5% ले रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, चलो ठीक है, आपने बोला चलो इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। सेकंड ईयर भी 625 रुपए प्रिंसिपल पे तो लोगे सबसे पहले, और इसके अलावा पिछले सभी इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अब इस पे जब आप 12.5% लगाओगे ना दोबारा से, तो फिर फ्रैक्शन में जाओगे, पॉइंट में जाओगे। ये मेथड बहुत अच्छा काम कर रहा था जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो 10%, 5%, हमें फटाफट मॉरली ले लेते हैं, लेकिन मेथड यहां पर सक्सेस अब नहीं हो पा रहा है। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आ गया? फ्रैक्शन में। यहां पर आप कैलकुलेटिव हो रहा है, अब इसका फिर लोगे आप 12.5%, फिर तीसरे साल का ही मैं मानता हूं, चलो वो तो आपका प्रिंसिपल पर 625 ही मिलेगा 12.5%, फिर आप सभी इंटरेस्ट का 12.5% लोगे, यहां कैलकुलेशन में आ जाओगे, और फिर आपका जो मैंने 3 सेकंड में करने का जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर मैं एक फोर्थ मेथड बताने जा रहा हूं आपको, वो फर्स्ट मेथड से काम नहीं चलने वाला, ठीक है? फर्स्ट मेथड से आंसर तो आ जाएगा, उसके मना नहीं कर रहा, पर वो 3 सेकंड वाली बात नहीं आएगी। आइए फोर्थ मेथड, सबसे जबरदस्त मेथड है, मैं इसको मानता हूं। एक काम कीजिए, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना फ्रैक्शन में ले जाइए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? 12.5% है तो ये हमारा 25/2% हो गया। फ्रैक्शन में करने के लिए परसेंटेज हटा करके नीचे 100 लगाना होता है,
सिंप्लीफाई करेंगे 1/8। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। ये क्लियर है नहीं आपको? समझ आया? अब क्या करना है, टाइम क्या है, डिनोमिनेटर को पकड़ लो, सिर्फ और सिर्फ किसको? डिनोमिनेटर को। अगर 5/8 भी होता ना ये, तब भी मैं 5 को अवॉइड करता फिलहाल और मैं 8 को लेके चलता। डिनोमिनेटर को पकड़ना है आपको। तो डिनोमिनेटर को कैच कर लिया आपने, और आप देखिए यहां पर आपके पास में टाइम क्या है, 3 ईयर। तो डिनोमिनेटर के ऊपर पावर 3 यूज करो आप, तो ये 8 रेस्ट टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 512। समझ नहीं आपको? तो डिनोमिनेटर पर पावर यूज करो जो टाइम है। 2 होता तो मैं 2 यूज करता, 3 है तो मैंने 3, 4 है तो मैं 4 यूज करता, क्या हो गया 512। अब मैं लेट कर लेता हूं, मेरा प्रिंसिपल है ना 512। आप कहेंगे सर प्रिंसिपल तो 5000 रुपीज है। अरे रुपीज है ना, रुकिए, अब मैं सवाल को रुपीज के लिए रोक देता हूं। 512 यूनिट प्रिंसिपल है ये मान लीजिए, 512 यूनिट क्या है आपका, प्रिंसिपल है, ये चीज आप मान लीजिए। ये क्लियर है आपको? यूनिट में मान लिया मैंने अभी, कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? अब देखिए प्रिंसिपल ये आपका एक इमेजिनरी डाटा लिया है आपने, बेसिकली प्रिंसिपल तो आपका 5000 है, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, बट यहां पर आपको लेट कर लीजिए कि आपका प्रिंसिपल क्या है, यूनिट में, रुपीस में नहीं, यूनिट में क्या लेट कर लिया आपने, 512 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल है, इतने यूनिट का प्रिंसिपल है। आइए इंटरेस्ट लेते हैं, पहले साल आपका जो इंटरेस्ट बनता है 512 का, आपको इंटरेस्ट परसेंटेज अप्लाई नहीं करना, फ्रैक्शन अप्लाई करना है। दिस ये इंटरेस्ट है आपका, रेट क्या है आपका 1/8 है, ध्यान रखना। क्लियर है? रेट क्या आपका 1/8 है। तो यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, 1/8 इस पे अप्लाई करेंगे, तो 1/8 64 यूनिट किसमें, इतने यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल ये। तो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लेंगे, तो प्रिंसिपल पर 1/8 तो 64 यूनिट, 1/8 अप्लाई करना तो बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए, कि 512 मल्टीप्लाई बाय 1/8 वो तो एकदम इजीली कट जाएगा ना, तो 64 यूनिट आ गया। फ्रैक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब पिछले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेंगे, तो इस पर 1/8 लेंगे तो 8। फ्रैक्शन आया क्या, पॉइंट आया क्या, वहां प्रॉब्लम आई थी ना, नहीं आया, इसका भी 1/8 लेंगे। प्रिंसिपल पर तो लेंगे, पिछले सभी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेंगे, तो 72 यूनिट हो गया। 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है या सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है? 72 सेकंड ईयर है। बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो पहले प्रिंसिपल पर ले लेते हैं, वही 64 यूनिट आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और इसके साथ में पिछले सभी इंटरेस्ट, सभी पिछले इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पिछले सभी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारा 64 प्लस 72, क्लियर है ना? या फिर आप देख लीजिए 64 पे अगर आप लेंगे तो आपका 1/8 तो 8, इस पे लेंगे आप तो आपका 9, 1/8 इस पे लेंगे तो 9, 1/8 ने 72, 9 रुपया है ना, 1/8 करेंगे तो ये ब्याज कितना बन गया आपका, 81 यूनिट। कुछ सवालों के जवाब दीजिए, प्रिंसिपल क्या है, 512 यूनिट, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या निकला, 512 यूनिट मानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला, आप देखिए आप इनको ऐड करिए, 64 72 81 7 13 21 217 यूनिट। अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट क्या बनेगा आपका, इनको हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल प्लस में दिस, ठीक है ना, आपका 9 2 7 ये आपका अमाउंट बन गया इतना यूनिट। क्यों, अमाउंट ही होता है ना, प्रिंसिपल ये था और मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, 3 साल का मेरा अमाउंट ही रहा। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में बस ये मिलता, प्रिंसिपल वाला ये मिलता, बस ये मिलता, सिंपल इंटरेस्ट में बस प्रिंसिपल पर मिलता है। यहां आपका डिफरेंस कैसे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिफरेंस के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंस जनरेट करने के पीछे ये रिस्पॉन्सिबल है, यही तो है ना, नहीं समझे मेरी बात को? बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ये मिलता है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या मिला, दिस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 25, 25। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 25 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो तो आपको मालूम है, जो ऊपर क्या आपका ये 3 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है 192 यूनिट, ये 64, 64, ये सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ यही मिलना था, तो आपको ऐसा भी मालूम है ऐसा ही क्या है, क्लियर है ना? 192 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है आपका। सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? यूनिट। देखिए हर चीज पता है आपको, डिटेल मेथड है इसका नाम, हर चीज मालूम है आपको। अब देखिए क्या है इसमें खास बात, इसमें आपको इंफॉर्मेशन कुछ भी दे सकता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल दिया तो जो देगा सो नीचे रख देना है, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जो दिया हुआ है वो नीचे रख देना, जैसे मान लो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे? प्रिंसिपल, क्योंकि वो प्रिंसिपल का इक्विवेलेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे? अमाउंट दिया हुआ है तो नीचे क्या रखोगे? डिफरेंस दिया तो नीचे क्या रखोगे? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ तो नीचे क्या रखोगे? सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ नीचे क्या रखोगे? जो दिया हुआ है वो नीचे रख दोगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? सिंपल इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? अमाउंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? डिफरेंस पूछ रहा है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? क्लियर है? जैसे कि यहां देखते हैं, इसी केस को डिस्कस करते हैं। इसमें 5000 रुपीज प्रिंसिपल था, एग्री करते हैं आप इस चीज से? 5000 क्या इसमें प्रिंसिपल, इस चीज से एग्री करते हैं? और ये आपका कितने यूनिट के इक्वल है? ये 512 यूनिट के इक्वल है। पूछ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट रहा हूं तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, आगे एक यूनिट की वैल्यू, ये रुपीस में है, ये यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई, क्लियर है? और पूछ मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 217, तो आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? समझ रहे हैं? कोई डाउट? तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहां पर निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर अगर प्रिंसिपल ना दे ये स्ट्रक्चर, तो आप रेट बार बार कहां लगाओगे, है ना? प्रिंसिपल ही गायब कर दे तो इससे बेटर। और ये मेथड क्या है, यहां प्रिंसिपल अगर ना भी दे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे तो आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? आप तो इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? रेट का। किसका यूज कर रहे हो? रेट को फ्रेश में लिया, उसी से प्रिंसिपल बनाया और उसी से स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया नहीं, कोई बात नहीं, आप यहां पर रेट से कर रहे हो ना सॉल्व इसको। आप कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट रख दो और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या समझा रहा हूं? क्लियर है या कोई डाउट है किसी को? समझ रहे हैं चीज को? तो जो देगा सो नीचे और जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई। खासियत क्या है इसके कि कुछ भी दे दे रेट से निकाल लेंगे, और आपसे चाहे वो सीआई पूछे, डिफरेंस पूछे, प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट पूछे, एसआई पूछे, आपको कुछ भी दे दे, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, कुछ भी दे दे, आपको फर्क नहीं पड़ता है। जो भी कुछ देगा सो नीचे, जो पूछ रहा है सो मल्टीप्लाई। एक सिंगल मेथड से 5-10 प्रकार के अलग अलग सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। किसी में प्रिंसिपल देके सीआई पूछ रहा है, किसी में सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के अमाउंट पूछ रहा है, किसी में थ्री ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट देकर के आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, किसी में डिफरेंस देकर के आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। सब पर एप्लीकेबल है ये, क्लियर है आपको? इसको हम कहेंगे डिटेल मेथड, क्योंकि हर चीज के बारे में डिटेल है यहां पर। समझ आया आपको? क्लियर है? ये मेथड नंबर कौन सा था हमारा? 4। बात करते हैं मेथड नंबर 5 की। हां जी, 1/8। देखिए एक बच्चे ने पूछा कि मान लो ऊपर 3/8 आता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करते? 8 का क्यूब करते और हर बार आप इंटरेस्ट का चार्ज करते 3/8, क्योंकि रेट क्या 3/8, तो बस आप 3/8 करते तब भी पॉइंट में नहीं आएगा,
क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का ही क्यूब कर लिया ना, वो बार बार उसको परफेक्टली डिवाइड करेगा। क्लियर है ना? तो आप 3/8 चार्ज करो, लेकिन जब आप प्रिंसिपल बनाओगे ना तो डिनोमिनेटर से बनाओगे बस। क्लियर है? लेकिन आप चार्ज करोगे इंटरेस्ट तो 3/8 चार्ज करोगे। अभी आएगा सवाल, भी करेंगे प्रैक्टिस। हाँ जी, मेथड 5 देखो। स्ट्रक्चर एक 3R स्क्वायर और R क्यूब। वेट वेट कीजिए अभी 10 मिनट कम से कम। देखिए मेथड हमारा 3R स्क्वायर और R क्यूब, ये परसेंटेज मेथड है। ये हमारा परसेंटेज, ये परसेंटेज मेथड है हमारा, ठीक है? क्लियर है? अब परसेंटेज मेथड में आप सबसे पहले अप्लाई करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज सीखिए। आप हमारी एक आदत है काउंटिंग, कैसे लिखते हैं 79, कैसे लिखेंगे 79, 121, 121, 64, 64, ऐसे लिखते हैं, 45, 4, 5। अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज कीजिए अपने अंदर, सिर्फ इस मेथड के लिए 89 पीछे से लिखेंगे हम, 98, 121, 121 पीछे लिखना, याद डालो इस मेथड में, इजी रहेगा आपके लिए। क्लियर है? समझ आया आपको? अब देखिए रेट 10% पीछे से करेंगे, यहां से नहीं करने लग जाना, पीछे से 10 का क्यूब 1000, 1000 रुपए 10 का क्यूब, रेट 10 है ना। मैं अपने किस सवाल को, मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? तो 10 रेट मान लीजिए 10% है, ठीक है? तो रेट अगर 10% है, रेट अगर 10% है तो यहां पर 10 का क्यूब 1000, ऐसे नहीं लिखना 1000, गलत है ना। बस लेकिन दो ही सीट भर सकते हो आप, दो ही डिजिट आप लिख सकते हो, ज्यादा डिजिट नहीं लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो आपने 0, 0 और 10 रह गया, दो डिजिट भरा पीछे का, बाकी जो बच गया सबको कैरी ऑन कर दो, 10 कैरी फॉरवर्ड करती है, जो 10 बचा था यहां नहीं, अब इसको दे दिया भाई, तू संभाल इसको। क्लियर है ना? अब इसको पहले सॉल्व कर लो, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 × 3, 300, ये 310 हो गया, 310 हो गया, हुआ नहीं हुआ? क्लियर है? पहले स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर 100, 100 × 3, 300 + 10, वो जो आपने करा कैरी फॉरवर्ड उसको ऐड कर देंगे +10, तो 310 ऐसे लिखेंगे 0, 1। अब जो 3 था ना इसको दे देंगे, दो ही डिजिट भर सकते हैं ना हम, नहीं समझ रहे मेरी बात को आप? यहां पे 10, 3, 30 और 3, 33, 33, इसके बाद पॉइंट लग जाता है। तो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है ना 33.1, 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इतने परसेंट हो गया, समझ रहे हो? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आप कहते हैं कि सर चलिए बताइए अमाउंट क्या होगा, तो यार प्रिंसिपल तो इस केस में आपका 100% रहेगा ही, जब परसेंटेज मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंसिपल क्या रहेगा, 100% रहेगा ही। तो सर अमाउंट क्या हो जाएगा, यार इतना ब्याज मिलने वाला है, 100% प्रिंसिपल है, ये परसेंटेज इतना अमाउंट हो जाएगा। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10% एक साल में, 3 साल में 30%, उसमें तो कोई ब्याज का चक्कर नहीं है ना, वो सिंपल है यार 30%। सर डिफरेंस क्या होगा, यहां 31.1 मिल गया, यहां 30, तो आपका 3.1%। अब इस केस में अगर आपको डिफरेंस दे देगा तो नीचे क्या रखोगे, डिफरेंस, डिफरेंस जैसे कि 1000 रुपए प्रिंसिपल है तो वो तो 100% के इक्विवेलेंट है, तो अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है तो नीचे प्रिंसिपल रखोगे। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 33.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 100% इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 100, 1% की वैल्यू आ जाएगी, 33.1 कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी की तरह डिटेल मेथड की तरह जो दिया हुआ है सो नीचे डिफरेंस दिया तो नीचे डिफरेंस, प्रिंसिपल दिया तो नीचे, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 3 साल का नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई, रेशियो को याद है ना। क्लियर है? तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो आप। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इसकी प्रैक्टिस तो आप देखिए करेंगे, जैसे मैं ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 4%, समझिए 5% लेते हैं, ठीक है 5%,
मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इस पे। फाइव परसेंट ले रहा हूं, तो 5% को अगर रेट अगर मेरा 5% है, पीछे से करें शुरू, ये दे दिमाग में होना चाहिए। पहले 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25 या 75 और प्लस 1 76, ये तो अच्छी बात है, दो डिजिट थे, दो डिजिट आ गए, है ना। फिर 5 या 15, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 15.7625, सिंपल इंटरेस्ट तो 5 या 15% ही रहेगा, डिफरेंस क्या है 0.7625, अमाउंट क्या है 115.7625। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कौन क्या है, जो दिया हुआ है नीचे वो जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा विद इन सेकंड आपका ये कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्लियर है। अब आप कहते हैं सर 4% जरा करके दिखाओ, सिंपल 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 4 6, 4 का स्क्वायर 3 टाइम्स, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ आपका 16, 16 3 48, कुछ कैरी नहीं होता ना, 4 3 12, डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट क्या है, सब पता है आपको, यहां पर अमाउंट 100 प्लस हो जाता है, ये क्लियर है ना, जो दिया हुआ नीचे जो पूछा उससे मल्टीप्लाई। लेकिन 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 ये ओनली फॉर 3 ईयर्स है, 3 साल का होगा ना तभी ये अप्लाई करना। आपका जनरली सवाल 2 साल और 3 साल पे होता है, तो आपका सवाल उठेगा सर 2 साल पे होगा तो क्या करेंगे, आइए 10% 2 साल का देख लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 6, मेथड नंबर 6 देखिए, 10% 2 साल का, तो हम क्या करेंगे, जो याद है परसेंटेज के अंदर जो हम एग्रीगेट चेंज करते हैं वो सिंपल देखिए, मैं बता देता हूं फिर भी नहीं आपको मालूम है, तो 10% 2 साल का, तो 10 एक साल का प्लस 10 दूसरे साल का, अब पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, इसको मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करना है 20.1%। ये सीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पॉइंट के बाद है 1%, अच्छा एसआई को, यार ये पॉइंट से जो पहले है, अमाउंट को, ये सीआई प्लस में 100%, 5% आप कह रहे हैं ना, चलिए इफ आर इक्वल टू 5%, तो 5 प्लस 5 पॉइंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 और नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं ना फिर, क्योंकि पॉइंट आपका हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जब पॉइंट लगा रहे हो नीचे 100 लगाने की जरूरत नहीं है फिर इस पे, क्लियर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 10 इन दोनों मल्टीप्लाई 100 है ना, तो 100 तो पॉइंट क्या, तो 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, क्लियर है ना, समझ में आ गया आपको, तो 21 पॉइंट आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस ठीक है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करेंगे, क्लियर है, तो आपका ये आ जाएगा, ये 10 10 क्या हो जाएगा 20, इसको एज अ पॉइंट यूज करना है, 5% पे देखो 5 प्लस 5 प्लस मल्टीप्लाई करो 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका 10 हो गया, पॉइंट लगा दो, पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, पॉइंट 25, तो आपका डिफरेंस क्या है 0.25, प्रिंसिपल क्या है आपका, वो तो 100% ही रहेगा, एसआई क्या है 10, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 10.25, तो 2 साल का तो बहुत आसान है, 4% का, अब देखिए 4 4 8, 4 16 डिवाइडेड बाय 100, 0.16, तो डिफरेंस क्या है 0.16 है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये क्लियर है ना आपको, 3%, 3 3 6 9, क्लियर है, 9 डिवाइडेड बाय 100, 0.09 डिफरेंस है, इस समय आया नहीं है आपको, क्लियर है, कोई डाउट आपको, कोई डाउट बच्चों, तो ये हमने 2 ईयर 3 ईयर इस तरीके से, लेकिन आपका जो है सबसे शानदार मेथड ये आपका 4th का। अगर आप कहेंगे सर अगर रेट नहीं दिया तो क्या करेंगे, वो तो आपको पहले दिन ही तो सब कुछ नहीं पता लग जाएगा ना, उसके लिए कल भी आना पड़ेगा, तो आप जो है फिलहाल ये डिटेल मेथड समझ में आया नहीं है आपको, आपका काम क्या है पहले इन 6 मेथड को रिवाइज करके आना, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे।
कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप वन पार्ट बी। हमने अभी तक छह मेथड सीखे। अब छह मेथड में से हम यहां पर क्वेश्चन को देखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है, मतलब कि कौन सा मेथड ऐसा है जिससे कि कम टाइम में 3 सेकंड या 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाए। अगर आप कोई और मेथड भी अप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको वो मेथड अप्लाई करना है जिससे आपका समय बचे। और इस तरीके से आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 रुपए और टाइम है 2 साल, और आपसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो 2 साल में मैं कहूंगा आपसे कि बेस्ट मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है, अगर आप देखें कि किस तरीके से इसको करते हैं हम, तो 10% परसेंटेज मेथड लगाओगे तो 10 + 10 20 + 10 × 10 100 / 101 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 420 / 21 और आपसे पूछ क्या रहा है एसआई, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 10 और 10 = 20 होगा। तो सॉल्व करेंगे आपका 20, तो आपका जो है 400 आपका आंसर आ गया। तो देखिए मैंने कहा था आपसे कि आपका सवाल 2 या 3 सेकंड का है और ये हुआ भी उसमें। क्लियर है, समझ रहे हो? जब मैं आपको समझा 5-7 सेकंड में रहा हूं तो खुद करेंगे तो उससे भी कम समय में होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार देखिए, 10% + 10% + इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100, ये पूरा का पूरा सॉल्व करो। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये 10, 10, 20 और ये प्लस 1 तो आपका 21%। अब आपको मालूम है कि कौन क्या है, आपको परसेंटेज मेथड में मालूम है कि आपका प्रिंसिपल 100% होता है, जो आपका ये आता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, जो इसके बाद ये वाला सेक्शन होता है ये डिफरेंस होता है। ये सेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, अमाउंट के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल करना पड़ेगा, मतलब 100% + 21% 121% आपका अमाउंट हो गया। ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। गिवन क्या हमारे पास में 420 रुपए क्या है, तो नीचे क्या रखेंगे, नीचे फिर सीआई रखेंगे, तो सीआई क्या है 21 और पूछ क्या रहा है आपसे एसआई, तो 10% 1 साल का है, 10% 1 साल का है और सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल का कितना बनेगा, ये 2 साल का ये 20% बनेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको और ये आपको क्या आ गया 400 रुपए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो अगर बच्चे आप सॉल्व करते हैं 5% + 5% 10% 5 × 5 25 / 100.25 तो 10.25 हो गया। इसमें कि 10 सिंपल इंटरेस्ट है, 0.25 आपका डिफरेंस है और 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर है, नहीं तो आप देख लीजिए मैं दिखा देता हूं, 5 + 5 + ये करेंगे अब प्लस और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 + 0.25 10.25 ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आपको गिवन क्या है 160 रुपीज, ये क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या होगा इसमें 0.25 और पूछ क्या रहा है आपसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर ₹64,000 प्रिंसिपल आ गया। क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8% है, अब तो आपको आपके पास में एक्सपीरियंस हो चुका है, 8 × 8 = 16, 8×2 = 64 और 100 जब ऊपर लाएंगे वापस तो 0.64 तो 16.64। माइंड में इसको करना सीखे। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 8 और 8 मैंने कहा था 16, फिर 8×2 = 64, जब ये 100 ऊपर जाएगा तो ये 16 प्लस ये 0.64 हो जाएगा, तो मतलब ये 16.64 हो जाएगा। मैं ये कह रहा नहीं, कोशिश कर रहा हूं आपसे। क्लियर है, अब आपको डिफरेंस दिया हुआ है 7, 6, 8, क्या आपका डिफरेंस, तो आप नीचे क्या रखोगे, डिफरेंस तो आपका क्या है 0.64, क्या आपका डिफरेंस है
ठीक है ना, क्लियर है? सॉल्व करेंगे अगर आप इसको, मल्टीप्लाई बाय, पूछ क्या रहा आपसे प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 100, ये क्लियर है? कोई डाउट? दो जीरो यहां पे लग गया। अगर आप इसको 8 से इसको अगर आप 4 से सॉल्व करते हैं तो 4 एकम 4, 4 छः 24, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 दुनी 8, क्लियर है ना? 4 सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 अठे 32, 1,20,000 प्रिंसिपल आ गया। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 4 में देखेंगे आप 5% है, आपको पता लग गया 5 5 10 25.25 10.25। मैं फिर से उसी चीज को बार बार रिपीट करूंगा, क्या फायदा? 5 + 5 + 25 25 कैसा है मल्टीप्लाई करके, सो 5 और 5 10 प्लस सॉल्व करेंगे 0.25, सॉल्व करेंगे 10.25, क्लियर है ना? समझ गए आप? कोई डाउट? तो ये 10.25 है हमारा, क्लियर है? आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में गिवन क्या है, 4,000 रुपए, ये क्या है प्रिंसिपल, तो नीचे प्रिंसिपल आएगा। पूछ क्या रहा है डिफरेंस, पूछ क्या रहा है आपसे डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या हमारे पास में 0.25 डिफरेंस है, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो आप सॉल्व करेंगे यहां पे आपका 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये 25 × 4 100 और आपका 1 2 3 4 0 और आपका वहां पे सर कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 10, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में वही 4% 2 साल का अगर आप करते हैं, 4 + 4 8 + 16 / 100 तो 8.16 गिवन क्या है बच्चों आपको, 270.40 सीआई है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं, चलो सीआई है, सीआई तो नीचे किसके अपॉन में आ जाएगा 8.16, क्योंकि आपका सीआई क्या है दिस, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे आप 100, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट में कई बार आ जाते हैं, यहां पर हो सकता है डाटा थोड़ा सा है, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल क्या है 204%, अब 2 साल का सीआई पूछ रहा है तो आपको पता ही है 4% का क्या रोल है, 4 4 8 16, तो आप देखिए आप थोड़ी स्पीड बन रही है ना आपके, 5 सवाल के बाद ही स्पीड बन गया। प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास 100 100 200 200 क्वेश्चन होते हैं, और जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद फिर आप एग्जाम में उतरेंगे तो फिर आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो कुछ खास आपके लिए इतने वो नहीं लगेंगे कि आपको बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम, तो ये 200 प्रिंसिपल है डिवाइडेड बाय 100 ही आएगा। पूछ आपसे क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 8.16, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 20 कट गया, सॉल्व करेंगे 2 6 12 1 2 1 2 1 3 2 8 16, तो आपका ये क्या आ गया, ये आपका सीआई आ गया, क्लियर है? यहां सॉल्व करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका और टाइम आपका और आपका क्या है यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना? क्लियर है? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे यहां पर 12.5% है। अब देखिए टाइम यहां पर देखेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले अब आपके पास टाइम 2 साल 3 महीने आ गया, तो जो मेथड अभी तक हम लेके आ रहे थे वो 2 साल के लिए था, 3 साल के लिए भी दे रखा है परसेंटेज मेथड, लेकिन 2 साल 3 महीने या 3 साल 4 महीने के लिए मैंने कोई परसेंटेज मेथड नहीं दिया है। तो बेस्ट अगर आपका टाइम ईयर के साथ साथ मंथ में भी आ जाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप डिटेल मेथड यूज करो जो यूनिट से कर रहे थे क्वेश्चन। जब आपका टाइम मंथ में भी मेंशन है ईयर के साथ साथ तो आपको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, डिटेल। खैर करने को तो हम इससे भी कर सकते हैं लेकिन फिर एक आपके लिए एक नई चीज और आ जाएगी, मतलब इसी से कर पॉसिबल और आंसर भी इससे आ जाएगा, बट हमें बेस्ट मेथड यूज करना है तो हम डिटेल मेथड यूज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इससे, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो हम डिटेल मेथड यूज करते हैं इसमें। कैसे? सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, 2 साल 3 महीने, 2 साल को क्रॉस कर गया है, अब इसको पूरा 3 साल ले लो, 1 साल 4 महीने, 1 साल क्रॉस कर गया,
अब इसको पूरा पूरा 2 साल ले लो, 3 साल 6 महीने, 3 साल क्रॉस कर गया तो पूरा इसको 4 साल ले लो फिलहाल, तो अभी ये लो। मैं आऊंगा आपकी बात पे, मुझे मालूम आपके मन में क्या चल रहा है, सर क्यों ले ले जब हमारे पास में 3 महीने हैं तो पूरा कंप्लीट ईयर क्यों ले। वो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिलहाल क्या कहा है मैंने, किसी ईयर से आगे जा रहे हो तो कंप्लीट वो ईयर भी काउंट कर लो। तो ये सवाल आपका 3 साल का हो गया, ठीक है, क्लियर है। यहां पर प्रॉब्लम क्या, आपको तो आप अच्छे से समझते ही है, 2 साल तो ठीक है आपका, ये तो ठीक है, लेकिन जो 3 महीने इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा आपका 1/4। तो ये ठीक है, ये गलत था, अब ये ठीक है, तो 2 साल 1/4 टाइम ये, बट हम इसको क्या लेके चले 3 साल, क्या 3 साल। इसमें डिटेल मेथड अप्लाई करोगे, डिटेल मेथड आपको बताया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, और ये आपको 3 साल का, 3 साल लेके चल रहे हो इसको, तो फिर डिनोमिनेटर में पावर क्या करोगे 3 करोगे, 125, क्लियर है। तो प्रिंसिपल 125 यूनिट है। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये आपको सिखाया गया, अब बस बिल्कुल शांत होकर के पहले अपना वैसे निकाल लो। 1/5 अप्लाई करेंगे रेट, 25, 1/5 अप्लाई करेंगे 25, पिछले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो 5, यहां पे हो गया हमारा 30, फिर सॉल्व करेंगे 125, फिर सभी इंटरेस्टों पे, तो 5 इस पे 6, क्लियर है 36। कितने साल का है ये, 3 साल का, फर्स्ट ईयर का ये, दूसरे साल का ये, 3 साल का 36 है, क्या थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट यूज किया है क्या, तीसरे पूरे तीसरे साल कंप्लीट ईयर का कितना इंटरेस्ट बना, थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर कंप्लीट ईयर का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना 36, कंप्लीट ईयर का बना है क्या, थर्ड ईयर कंप्लीट यूज किया है, 1/4 ईयर ही तो यूज किया है, ईयर का एक चौथाई भाग ही तो इस्तेमाल किया गया पैसा, तो फिर मैं भी पूरे साल का ब्याज क्यों दूं, मैं भी 1/4 ही दूंगा। तो वो आपका तीसरे साल का कंप्लीट इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 9 यूनिट मिलेगा, 10% पूरे साल का कहता हूं, 6 महीने में आ जाऊंगा तो आप थोड़ी ना 10% दे दोगे, आप 5% देना पसंद करोगे, क्योंकि समय मैंने हाफ करा तो आप रेट भी, तो ऐसे ही अगर आपका टाइम 1/4 हुआ है तो आप इंटरेस्ट भी जो बनता है उसका 1/4 पे करोगे। तो बस बहुत ही शांति से चलते आए अभी तक हम, दो बातें ध्यान रखिए कि 2 साल 3 महीने था तो कंप्लीट उसको मैंने 3 साल कर लिया, पूरा साल ले लिया और शांति से 3 साल का ब्याज निकाल लिया, लास्ट में तीसरे साल में चेंज करा है, समय मेरा क्या है 3 साल कंप्लीट नहीं है, 1/4 है, तो फिर मैंने उस इंटरेस्ट का 1/4 ही लूंगा, बाकी पूरा इंटरेस्ट नहीं लेके चलूंगा। समझ आया आपको ये? अब आपको, आपके पास पे क्या दिया हुआ है, आपके पास पे प्रिंसिपल दिया हुआ है सर 8000, प्रिंसिपल कितना है 125, क्लियर है 125 यूनिट है, 1 यूनिट पूछ क्या रहा आपसे सीआई, तो सीआई कितना होगा 25 और ये 55 और 55 और आपका 9 64, सबको प्लस कर देंगे तो सीआई क्या बनेगा 2 साल 3 महीने का 64, क्लियर है। कोई डाउट किसी बच्चे को तो आप पूछ लीजिए, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट बच्चों, अब यहां पे सॉल्व करेंगे आप इसको, तो पच्चीस 5, ठीक है 25 4 32, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे 64, क्लियर है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 36 16, क्लियर है, समझ नहीं आपको बच्चों, 48 6 24 48 6 9 0 4, तो ये आपका क्या आया 4096 सॉल्व करेंगे तो, ठीक है क्या आया, मैंने इसको कैलकुलेट करा है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट, क्योंकि आपका 64 आ गया था ना यहाँ पर, और यहाँ पे आपका 64 है, तो 64 × 64 करेंगे तो 64 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, अब आपका इसको मल्टीप्लाई करा 6 × 4 = 24, ट्वाइस कर दिया 48 सम कर दिया इसमें, तो आपका 4096 आ गया।
आपको करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा स्क्वायर कैसे करते हैं, वो आपका जब स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए इजी है, सबसे पहले डिटेल मेथड जाएंगे तो ये 1/8 हो गया, इसको आप 2 साल लेके चल रहे हैं तो ये आपका स्क्वायर हो गया 64 हो गया। टाइम का आपको पता, पूरा टाइम यूज नहीं कर रहे, 4/12 1/3 ईयर का यूज कर रहे हैं। आइए प्रिंसिपल क्या है, 64 यूनिट फर्स्ट ईयर, अगर 1/8 अगर मैं लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8 है ना, तो 8 सेकेंड ईयर भी क्या होगा, 8 इसका 1/8 क्या हो गया 9, पूरा 2 साल का लिया है पर सेकेंड ईयर तो कंप्लीट यूज नहीं हो रहा है, 1/3 यूज होगा तो क्या आ गया 3। आपको दिया हुआ क्या, सीआई दिया हुआ है 17820, सीआई क्या है 8 और 3 11, क्लियर है, समझ गए, कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 64, क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 बन जाए 11, 6 6 66, 2 22, दिस क्लियर है ना, कोई डाउट किसी बच्चे को, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे अब आप, क्लियर है। तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चंस किए हैं और आपके सारे क्वेश्चन कितने इजीली हो पा रहे हैं, कितने आसानी से हो पा रहे हैं, नहीं तो आपको यहां पर कोई खास कैलकुलेशन नजर आ रहा है, नहीं तो यहां पर अब आपको कोई खास टाइम कंज्यूम हो रहा है वो नजर आ रहा है, और ना ही तो ये कोई इस तरीके से कि ये डिफिकल्ट है, करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्लियर है ना, समझ में आ गया बच्चों। हाँ जी प्लीज सामने देखें, सामने देखिए, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7%, डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 40 रुपीज, और टाइम है 2 ईयर, तो 2 ईयर 2 साल में, 2 साल में आप परसेंटेज मेथड पे तो जा सकते हैं, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखिए फ्रैक्शन में, तो इसलिए डिटेल मेथड ही बेटर है। तो जब भी आपका टाइम फ्रैक्शन में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में है, तो डिटेल मेथड बेस्ट है। अब आप देखेंगे यहां सॉल्व करते हैं तो यह आपका 100/7%, और आपको पता है कि आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100/7 परसेंटेज के नीचे 100 आ जाता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/7, और ये 2 साल का है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है ना, तो 2 साल का है तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 यूनिट। अब आप 1/7 अप्लाई करेंगे तो 7, और 1/7 अप्लाई करेंगे तो 7, क्लियर है, और इसके ऊपर 1/7 अप्लाई करेंगे तो 1, तो इस साल आपका 8 मिला 7 मिला, टोटल आपका जो है डिफरेंस दिया हुआ है ना, गिवन आपको बच्चे डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपया, डिफरेंस तो ये एक ही होगा, क्लियर है, तो डिफरेंस आपका 1 के इक्वल है, पूछ आपसे प्रिंसिपल रहा है तो 49 सॉल्व करेंगे 36190 प्रिंसिपल रुपीज में आ गया, है ना, क्लियर है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, ये 12.5% मतलब 1/8 हो गया, फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो, अब आपको क्या करना है, 3 साल का टाइम है तो प्रिंसिपल ये 8 के ऊपर जो डिनोमिनेटर में क्यूब 512, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां देखेंगे 1/8 अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 64 64 1/8 यहां भी अप्लाई हो जाएगा फिर, क्लियर है 8, और ये आपका 72 हो गया, 64 तो मिलेगा ही प्रिंसिपल पर, 1/8 इस पे भी लगेगा, 1/8 इस पे भी लगेगा, क्लियर है ना, समझ रहे हैं आप, तो 81 आपको गिवन क्या, डिफरेंस गिवन है सर, तो डिफरेंस तो ये जो है, ये डिफरेंस है ना, तो आपको जो है 12.50 जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपका 25 के इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो,
अब पूछ क्या रहा आपसे प्रिंसिपल, तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 512, क्लियर है, समझ रहे हैं आप, ये कोई डाउट है? अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो यहां से नीचे दो जीरो, क्लियर है, सॉल्व करते हैं 125, सॉल्व करते हैं 50 दुनी 100, क्लियर है, और इसको आगे आप जाके सिंप्लीफाई करते हैं, दो दुनी 4, 1, 2 पंचे 10, 2 छे 12, क्लियर है, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 11, 11 सॉल्व करते हैं, ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर अलग अलग रेट है, पहले साल 11 1/9% चार्ज करूंगा, उससे अगले साल 12 1/2% चार्ज करूंगा, तो कुल दो साल के लिए पैसा दिया गया है, लेकिन दोनों साल का रेट अलग अलग है, दोनों को फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, 100/9%, 100/900, 1/9, क्लियर है, यहां पर 1/8 आएगा क्योंकि बार बार कर चुका, मैं याद भी हो चुका है, 1/8, क्लियर है। अब क्या करना है यहां पर, जो पहले गया था वही करना है। अब पहले मैं स्क्वायर पता है क्यों कर रहा था, पहले मैं क्यूब क्यों करा, मैंने पहले समझिएगा, पहले 1/8, नेक्स्ट ईयर 1/8, नेक्स्ट ईयर 1/8, तीन बार 1/8, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो वो 8 का क्यूब हो रहा था, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक ये था कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो कोई बात नहीं, यहां पर स्क्वायर क्यूब नहीं करना, ये डिनोमिनेटर में क्या 9, डिनोमिनेटर में क्या 8, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 9 × 8 जो डिनोमिनेटर में है, 72 प्रिंसिपल है, समझ रहे हो? तो आपका जो है फर्स्ट ईयर 1/9 8, सेकेंड ईयर 1/8 9, और 1/8 इसका ही मिलेगा तो 1, तो ये हो गया 10। खैर हमें अच्छा दिया हुआ क्या, हमें सी आई, तो सी आई क्या हो गया 8+10, 8 ये और 10 इस साल का, तो क्या हो गया आपका 18 मल्टीप्लाई बाय, पूछ क्या रहा है हमसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितने यूनिट है 72 यूनिट, क्लियर है, सॉल्व करेंगे 4 0 2 3 19, क्लियर है, समझ गए, ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया, क्लियर है, कोई डाउट तो बोलो बोलो, क्लियर है। जो एक चीज को मैंने यहां पर 11 बार समझाया है, कल 6 मेथड बता दिए थे, अब 11 क्वेश्चन में मैंने उन्हीं मेथड को अप्लाई करा है, तो ये 11 बार आपको फिर दोबारा समझा दिया मैंने, दोबारा नहीं 11 बार, क्लियर है ना, समझ गए? आपको डाउट किसी बच्चे को?